मामा मामा, क्या बानू आंटी को बर्गर मिलाने आते हैं? आते होंगे, और अगर नहीं आते तो मैंने YouTube वीडियोस दिखा दूंगी, उनके पास फोन है। कमाला, ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया। परी के ददियाल वाले भी यही कहते थे कि मैं बहुत अच्छे मशवरे देती हूँ, बहुत कदर करते थे मेरी, बहुत इज्जत और मान से रखा हुआ था मुझे। इज्जत और मान से तो हमने भी रखा हुआ है आपको, है ना? बेटा, हम खानदानी लोग हैं, बहू की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। अच्छा, तो फिर फाखरा आपको छोड़ के क्यों चली गई? आज ये घर आके मुझे घर लगा है। इस घर की दर दीवार पे ऐसे रंग उतरे हैं कि मैंने जिंदगी में शायद कभी पहले नहीं देखे। ऐसी रौनक इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। सब ख्वाब में तो मैंने बहुत बार देखा, लेकिन इसकी ताबीर मुझे आज मिली है। आपने जिंदगी के हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, कभी मेरा साथी बन के, कभी मेरा महबूब बन के, फिर शौहर बन के और आर्या का बाप बन के, कभी सहारा बन गए तो कभी साहिबान। मोहब्बत शराब नहीं, साहिबा होती है। और आज मैं इस साहिबान के साय में आ गई। यहाँ जो खुशी और सुकून है वो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। काश काश हमारे घर वाले बहुत पहले मान चुके होते हैं तो ये घर कब का आबाद हो चुका होता। अब भी देर नहीं। अच्छा, आपने अपनी डॉली का नाम क्या रखा है? डॉली, डॉल का नाम डॉली। आपको प्यारी लगती। रिया जी, बेटा महर यार के सामने तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तो बस ऐसे ही बातों बातों में मुंह से निकल गया। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा कोशिश करना कि आइंदा इस मौजू पे बात ना करो। महर यार को अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी किसी के माजी के बारे में बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ऐसा क्या हुआ था कि फाखिरा मेरे यार को छोड़ के ही चली गई? देखो बेटा, कोई भी मर्द हो या औरत हो, वो अपना घर पर बात करना नहीं चाहता, और मेरे यार का तो इसमें कोई कसूर भी नहीं था। मेरे यार ने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। और अम्मा, महर यार, बेटा आओ आओ बैठो। मैं अपना माजी भुलाकर आगे बढ़ चुका। सब भुला दिया। मैं चाहता हूं कि
घर में इसके मुतालिक कोई जिक्र ना हो, कोई बात ना हो, सबको इस बात को भुला देना चाहिए।